नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई के बाद समीर वानखेड़े का गृह कैडर सीबीआई से इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एनसीबी ने अपनी विजिलेंस रिपोर्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ भी शेयर की है। विजिलेंस रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआईसी ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। समीर वानखेड़े मौजूदा समय में चेन्नई के केंद्र सरकार के सीबीआईसी विभाग में ही पोस्टेड हैं। गौरतलब है कि मुंबई में एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स की जब्ती के मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए मांगने से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। गौरतलब है कि मुंबई में एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स की जब्ती के मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए मांगने से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई के सामने पेश हुए। वानखेड़े सीबीआई के बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित ऑफिस में सवेरे 10:15 के आसपास पहुंचे। सीबीआई ने वानखेड़े को इस मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को समन भेजा था, लेकिन वो उस दिन एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों के अभाव के कारण मामले में दाखिल आरोप पत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया। सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़े एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ 11 मई को एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारी वानखेड़े ने बंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जबरन वसूली और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई के एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था। बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं की जाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।